हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो आज ही रिलीज हुई है। ये फिल्म एक अनबिलीवेबल रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन प्लीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे रिव्यूज और रिसर्च बेस्ड मूवी न्यूज लाते रहे। तो फ्रेंड्स, फिल्म में हम देखते हैं रानी मुखर्जी और अनिर्बान भट्टाचार्य को एज मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी। उनके दो बच्चे भी है, शुभ और शुचि। बड़े सपने सजाकर वो कलकत्ता से नॉर्वे शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनके लाइफ में एक बवंडर आता है और सब कुछ तितर बितर कर देता है। उस बवंडर का नाम है चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, जो उनसे उनके बच्चे छीन लेता है इस एग्जाम पे कि वो अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते। वो इंडियन कल्चर और एक माँ की ममता दोनों का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मिसेस चैटर्जी को वो दिमाग से अनस्टेबल भी घोषित कर देते हैं। मिसेस चैटर्जी को उसके हस्बैंड और उसके फैमिली से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसका हस्बैंड नॉर्वे का सिटीजन बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो उस पर कभी कभी हाथ भी उठाता है। कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सालों तक इस विदेशी सरकार से लड़ती रहेगी, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा नीना गुप्ता और जिम सर्फ भी दिखेंगे आपको। फिल्म को डायरेक्ट किया है अशिमा छिब्बर ने। सागरिका भट्टाचार्य, जिसके साथ ये घटना सच में हुई थी, उसकी पीड़ा डायरेक्टर ने बहुत रियल तरीके से दिखाई है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी ने। फिल्म के पॉजिटिव्स की बात करें तो वो होगा रानी मुखर्जी का परफॉर्मेंस। जो दर्द और पीड़ा सागरिका भट्टाचार्य ने सही होगी, वो दुख रानी मुखर्जी ने बहुत रियल तरीके से पर्दे पर उतारा है। उनकी एक्टिंग वाकई में लाजवाब है, ये इजिली उनके लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। जिम सर्फ का परफॉर्मेंस भी काफी अमेजिंग है। रियल लाइफ स्टोरी की वजह से हम ये फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन जो रियलिटी हम फिल्म में देखते हैं वो हमको झंझोड़ कर रख देती है। ये एक दिल दहलाने वाली फिल्म है जो ऑलमोस्ट एक हॉरर फिल्म जैसी लगती है। फिल्म का एंडिंग बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, आपको हिला कर रख देगा। फिल्म के नेगेटिव्स की बात करें तो वो होगा फिल्म का रन टाइम, बहुत लंबी लगती है फिल्म, थोड़ा रन टाइम कम भी रख सकते थे। फिल्म काफी टॉपिक्स को टच करती है, लेकिन किसी भी टॉपिक को डीप में नहीं दिखाती। ऊपर से स्क्रीन प्ले काफी फैला हुआ लगता है। ऑल्सो कई जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड लगता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में बहुत अननेसेसरी लगता है वो, एंड काफी इरिटेटिंग भी लगता है। रानी मुखर्जी और जिम सर्फ का परफॉर्मेंस तो अमेजिंग है, लेकिन उसके अलावा किसी और का कैरेक्टर कुछ ज्यादा वैल्यूएट नहीं करता। शॉर्ट में कहे तो पूरी मूवी रानी मुखर्जी के कंधों पर ही चल रही होती है। ओवरऑल हमारा मानना है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, लेकिन ये इमोशनल लोगों के लिए एक इजी वॉच नहीं होगा, क्योंकि बहुत हेवी सब्जेक्ट है। पर फिर भी हमारा रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज ये फिल्म थिएटर में देखें। सो वेल फ्रेंड्स, ये था मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कोई थॉट्स हो तो कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इंकरेज कीजिए। रिव्यू को रानी मुखर्जी के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।